बेसिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में रॉकेट लर्निंग ग्रुप ई पाठशाला क्रियान्वयन पर आधारित कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। कार्यशाला में जनपद के समस्त SRG, ARP तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के अध्यापक मौजूद रहे। कार्यशाला में उन 125 विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया जिन्होंने अपने लगन एवं परिश्रम से विद्यालय की छात्र संख्या 350 से अधिक कर लिया है। कार्यशाला में कुल 225 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक जायसवाल, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव और रॉकेट लर्निंग ग्रुप की मैनेजिंग टीम हेड विनय चंद्र एवं आशा ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिसके संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य था शिक्षकों का सम्मान एवं अपने जनपद को कैसे शीघ्र प्रेरक जनपद बनाया जाए। इसके साथ ही शासन स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समयबद्ध सीमा अवधि में कैसे लक्ष्य को प्राप्त करें इस पर रणनीति बनाई गई। रॉकेट लर्निंग टीम के मैनेजिंग हेड विनय चंद एवं आशा ने ई पाठशाला कंटेंट को कैसे विद्यालय स्तर पर प्रयोग में लाएं तथा उसमें किए गए तकनीकी सुधारों पर भी चर्चा की। जिला समन्वयक विवेक जायसवाल ने सभी शिक्षकों का उत्साह वर्धन किया तथा SRG एवं ARP टीम की संयुक्त बैठक में जनपद को प्रेरक जनपद बनाने की स्ट्रेटजी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक के बीच विद्यालयों को प्रयास के द्वारा प्रेरक विद्यालय बनाया जाए और फिर इन्हीं प्रेरक विद्यालयों को ब्लॉक में रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रॉकेट लर्निंग टीम की मैनेजिंग हेड विनय चंद एवं आशा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, तीन चार लोगों को हम बुलाएंगे, वो अपने अनुभव शेयर करें, कैसे उन्होंने अपने विद्यालयों को बेहतर किया है, कैसे वो दिन प्रतिदिन अपनी छात्र संख्या बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके आस पास के जितने प्राइवेट स्कूल हुए होंगे वो सब बंद हुए होंगे, तो उनके अनुभव से हमारे ARP भी सीखेंगे, हम लोग भी सीखेंगे, जिससे हम अपने विकास खंड में, अपने जिले में ऐसे स्कूलों को बना सकें और टीचर्स को प्रोत्साहित कर सकें। वो आए और वो अपने अनुभव शेयर करें, 5 मिनट में अपने अनुभव शेयर करें। थैंक यू। सबसे बड़ी छात्र संख्या की प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे अंतरम आदरणीय बीएसएस सर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर खसनी में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। सर, हमारे विद्यालय का इतिहास तो बहुत शानदार शुरू से ही रहा है और वहाँ पे उस विद्यालय ने तमाम शिक्षकों को पैदा किया है, तमाम IASO को पैदा किया है, तमाम PCS उस कैंपस से निकले हैं, तमाम मंत्री माननीय शिक्षा शुक्ला जो हैं वो भी उसी विद्यालय से पढ़ करके आगे बढ़े हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, हमारे यहाँ के जितने भी लोग थे वहीं से पढ़े हुए हैं। अब हमारे विद्यालय में चूंकि जब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए थे तो छात्र संख्या थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हम लोगों के लिए एक जो गौरवमय इतिहास था उसको फिर से जमीन पर लाने का हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया था और इसलिए हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि प्राइवेट में जो बच्चे चले जा रहे हैं उनको कैसे अपने विद्यालय से जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर के मिले भी, नुक्कड़ नाटक किए, नुक्कड़ नाटक के द्वारा जन अभियान चलाया, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे विभिन्न तरह के हम लोगों ने प्रयास किए और इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने मोहल्ला पाठशाला भी आयोजित की, विभिन्न गाँव में जाकर के, चूंकि हमारे यहाँ स्टाफ भी अच्छा खासा है, करीब 20 की संख्या है, तो सभी लोग एक मतलब 2-4 लोगों का एक टोली बनता था और विभिन्न गाँव में, चूंकि सर हमारे विद्यालय में कम से कम 15 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं और कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की दूरी हमारे यहाँ से बस साइकिल से लड़कियाँ और लड़के पढ़ने आ रहे हैं, तो सर इसलिए बस यही है कि हम लोगों ने टीम वर्क के रूप में काम किया और इसमें हमारे हेडमास्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह हैं, राजेश पांडे जी हैं, उन लोगों का भी अथक प्रयास रहा है और सराहनीय योगदान रहा है। निश्चित तौर पे ये टीम का प्रयास रहा होगा तभी आप अपने विद्यालय को आगे ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे अंधेरों के बाद, क्योंकि जहाँ 15 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये इन लोगों का प्रेजेंटेशन इसलिए भी करा रहे हैं कि हमारे ARPs को इनसे सीखना है। विद्यालय
अब आपको वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप उसी विद्यालय पर बैठ। बहुत सारे मतभेदों को आपको भी बुलाना पड़ेगा, आपको किसी गुट में नहीं आना पड़ेगा, आपको केवल एकेडमी की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो मिक्स्ड वर्कशॉप की जा रही है, इसका उद्देश्य यही था कि हमारे आरपी समझें कि अब उनको एक स्कूल की लीडरशिप नहीं संभालनी है, उनको पूरे ब्लॉक की लीडर। जब इस कार्यशाला के बाद बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि कैसे आप, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे, और हमारे कुछ ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बनेंगे, और आप आज यहाँ डिसाइड करेंगे कि हाँ हम अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। सोच ये है कि आप अब उस स्कूल के टीचर नहीं हैं। बहुत सारे आपकी फोन करके कहते हैं मेरे स्कूल में जांच हो, आपका स्कूल नहीं है, आपका पूरा ब्लॉक आपका स्कूल है, तो पूरे ब्लॉक की लीडरशिप लीजिए। अब आप एक स्कूल की लीडरशिप नहीं ले रहे, और पूरे ब्लॉक की लीडरशिप लेने के लिए ऐसे जो आपके लीडर्स हैं, ऐसे स्कूल जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनको देखिए कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो सफल हो रहे हैं, कैसे वो प्रेरक में बदल रहे हैं। आपको उसी मॉडल को रिप्लिकेट करना है, उसी मॉडल को दोहराना है। हमारी बहुत शानदार टीम है, हमारी एआरपी की, हमारी एसआरजी की, बस थोड़ा सा हमें अपना रोड मैप फाइनल करना है, हम कैसे अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे, हम अपने स्कूल को कैसे प्रेरक स्कूल बनाएंगे। इन्हीं सब चीजों पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आदरणीय जिला सम्राट सर और हर पर उपस्थित और हाल में सभी शिक्षक साथी, हम नवपति विद्यालय महाराजगंज काल से हैं। हमारे विद्यालय में भी छात्र संख्या पहले जो थी उसको इम्प्रूव किया गया, और जो अपनी ऊर्जा वहाँ पे हम लोग ने लगाया, उसका परिणाम ये रहा कि 3 प्राइवेट विद्यालय बन गए, और 2 ऐसे विद्यालय प्राइवेट जो बड़े जो नर्सरी से लेकर इंटर तक चलाते हैं, वहाँ के बच्चे भी प्राथमिक से 1 से जो है 12 तक के विद्यालय, वहाँ के बच्चे भी हमारे यहाँ आए। और इसकी आज ये है कि हमारे यहाँ जो संख्या 300 की होती थी, और आज जो है लगभग 600 के आसपास संख्या हमारे, और कोशिश किया जा रहा है, एक टीम के रूप में काम किया जा रहा है, और आगे जो मार्गदर्शन है उसी के साथ, उसी के हिसाब से जो है काम करने की कोशिश रहेगी। मेरा नाम विनय चंद है और मैं भी मिशन प्रेरणा सेल के साथ कार्य करता हूँ, और क्लोजली गोरखपुर में हम कार्य करेंगे अभिभावकों और बच्चों के साथ। प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि जो शिक्षक हैं उनका और पूरा मिशन प्रेरणा का प्रयास है कि जो अभिभावक हैं उनकी शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाना, वो है तो उसी को लेकर के ये प्रोग्राम है, जिसमें जो काम है घर पे पहुँचेगा। तो अभी एक प्रोग्राम चला स्कूल भी घर भी, क्योंकि अभी स्कूल खुल गए हैं लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा काफ़ी लर्निंग लॉस हुआ है, काफ़ी शिक्षा का पीछे छूट गई हैं। तो अभी स्कूल तो खुल ही गए हैं लेकिन दोनों जगह अगर वो चीज़ें पढ़ेंगे, स्कूल में भी और घर में भी अगर माता पिता उसका सहयोग करेंगे, तो अच्छे से वो लर्निंग लॉस कवर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी जो कंटेंट है वो रिवाइज हो रहा है, नया नहीं पढ़ा, रिवाइज हो रहा है, तो उसको रिवाइज होने से क्या होगा, दोनों जगह पढ़ेंगे तो वो काफ़ी लाभदायक होगा, जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे तो उनकी शिक्षा जो छूटी है वो पूरी हो पाएगी। गार्जियन को भी कुछ जानकारी दी जाएगी? जी बिल्कुल, उनको भी जो भी हमारे जो अभिभावक हैं उनको
बताया जाएगा कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है घर पर, किस तरीके से ये जो अभियान चल रहा है कि स्कूल भी घर भी, उसके माध्यम से उनको बताया जाएगा कि स्कूल पर तो पढ़ाई हो रही है, घर पर पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा उनको। तो स्कूलों में गार्जियन को बुला करके भी? हाँ बिल्कुल, उनको स्कूल में बुला करके शिक्षा जो अभिभावक चौपाल है उसके माध्यम से बताया जाएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे उनमें वीडियो भेज करके भी उनको बताया जाएगा। और लगातार उनको जो एप्रिसिएशन मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टीचर लगातार उनको बोलेगा, जो मेडल है, देखिए पूरा प्रयास है जो तबका है पेरेंट्स का, उनको लगता है कि वो बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है वो बच्चे सुन रहे हैं, वो अभिभावकों तक नहीं जा रही है। तो ये पूरा प्रयास किया गया है मिशन प्रेरणा के तहत कि छोटी छोटी वीडियो से जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो घर में जो अभिभावक है वो देख पाएँ और बच्चे को एटलीस्ट पढ़ने के लिए बिठा पाएँ। तो बच्चे का घर पे ना पढ़ने के लिए बैठना, क्योंकि वो स्कूल नहीं देख पा रहे अपने काम की वजह से, उस गैप को थोड़ा ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी गई है। और चाहे पीटीएम का माध्यम हो या जो आपने देखे होंगे गाँव में मीटिंग्स होती है या शिक्षा चौपाल जैसा इन्होंने बताया, इन सब माध्यम से लगातार शिक्षक कर रहे हैं प्रयास, जिसमें वो मीटिंग करते हैं, सब कुछ बताते हैं। इवन SMC मेंबर जो आप देख रहे हैं उनके द्वारा ये जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा, बिकॉज जिस तबके के साथ प्राइमरी स्कूल में बच्चे आते हैं या जो तबका उसमें काम कर रहे हैं, जो उनके माता पिता हैं, मजदूर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, उन सब के लिए लगातार जागरूकता ही है जो उनके घर के माहौल को पढ़ाई का माहौल बना सकती है। तो ये उसी के लिए पूरा प्रयास है। नाम बताओ। मेरा नाम आशा है, मैं मिशन प्रेरणा सेल से जुड़ी हुई हूँ और ई पाठशाला में कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के साथ कार्यरत हूँ। ये कार्यशाला हमारे इसमें ERP SRG और ऐसे अध्यापक आए थे जिनके स्कूलों का नामांकन सर्वाधिक था, हमने उनको बुलाया था कि आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। यहाँ पे एक रॉकेट लर्निंग संस्था भी आई थी, तो हम लोग प्रेरक जनपद बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग यही शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि जब प्रेरक स्कूल बनेगा, प्रेरक ब्लॉक बनेगा, तभी प्रेरक जनपद बनेगा। हम लोग एक टीम के भावना के साथ काम करेंगे, इसीलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि सभी लोगों को प्रेरित किया जाए और अध्यापकों की अच्छाइयों को हम लोगों को प्रकाशित करना है, उनकी अगर कोई गलती है तो उसको हम लोगों को इग्नोर करना है। हाँ, अभिभावक को भी जोड़ा जाना है और विद्यार्थी जो हमारे विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं उनको ई लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उनको पढ़ाई लिखाई हमें देनी है। जी 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 जी, जी।